बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में। आपको भाई आज यानी कि खरूज उदा और आपका जो इकामा वगैरह नहीं बढ़ा है या नहीं बढ़ रहा है, इसके ऊपर बात कर लेंगे। आज एक अरब कंट्री की तरफ से भाई एक बयान सामने आ चुका है, मैं अभी पढ़ रहा था। मैंने बोला आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और आपका भाई मेरे हिसाब से अभी तक यार भर जाना चाहिए, अपना पासपोर्ट वगैरह या अपनी कंपनी वगैरह चेक करें, रेड वगैरह तो नहीं है, कहीं ऐसा मसला तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि अभी तो दिसंबर के भी 20 दिन गुजर चुके हैं। तो आपका बढ़ जाना चाहिए और यार मैं दुआ करता हूँ आपका जल्दी से बढ़े और यार जल्दी से सऊदी अरब में इंटर हो जाए। इस वायरस के केस भी बढ़ रखे हैं फिर से कोरोना के, तो इसको देखते हुए भाई फिर से कोई ना किसी किस्म का मसला ना बन जाए। और दूसरे नंबर पर अभी ये बयान जो मैं पढ़ रहा था कि कोई भी ऐसा बंदा भाई 6 माह यानी कि वो छुट्टी के ऊपर गया और 6 माह तक वो वापस नहीं आया तो वो दोबारा भाई इंटर नहीं हो सकेगा। ये सऊदी अरब की तरफ से नहीं लेकिन कुवैत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। ऐसा कोई भी होम वर्कर भाई अगर छुट्टी के ऊपर जाता है तो 6 माह तक वापस नहीं आता है तो दोबारा वो कुवैत में इंटर ही नहीं हो सकता है। अच्छा, कुवैत की बात मैं क्यों सुना रहा हूँ भाई, ये अरब कंट्रीज हैं, ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। तो मेरे बात करने का सिर्फ मकसद ये था कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि कुछ दिनों में सऊदी अरेबिया या दुबई वगैरह ये भी इसके मतलब ना सोच लें कि कोई भी ऐसा वर्कर अगर वो छुट्टी के ऊपर गया और 6 माह तक नहीं आया, वापस नहीं पहुंचा तो वो भाई फार गया। ऐसा कानून यहाँ पर लागू भी हो सकता है क्योंकि अगर कुवैत ने लागू कर दिया तो भाई ये भी फॉलो कर सकते हैं उस चीज़ को। तो बहरहाल आपका इकामा, आपका आपकी छुट्टी वगैरह आपके तो हाथ में नहीं है, ये तो मुझे भी पता है, वो तो ज़ाहरी सी बात है सऊदी जवाजात की तरफ से ही एक्सटेंड होनी है। लेकिन अपना पासपोर्ट वगैरह, अपनी कंपनी वगैरह चेक करें, कोई मसला वगैरह तो नहीं है, वरना अभी तक बढ़ जाने चाहिए। बहुत से भाइयों के बढ़ भी चुके हैं, अगर नहीं तो किसी दोस्त को बोलकर किस मकतब वगैरह में भेज दें। यहाँ पर 200 मकतब हैं जी, हर शहर में हैं, किसी सऊदी के वगैरह के मकतब या जो मकतब वगैरह बने होते हैं वहाँ से आपका इकामा नंबर देकर उनसे इन्फॉर्मेशन ले ले कि इस बंदे का इकामा नहीं बढ़ रखा है, मसला क्या है, तो वो आपको बता देंगे, आगे से बेहतरीन हाल बता देंगे। अच्छा, इसके मतलब मकतब के मतलब भी मैं पहले 2-3 वीडियो शेयर कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल जी आपका अपना इकामा और छुट्टी के मतलब सोचें, हकीकत बात है। मेरी तो खुद से दुआ है यार जल्द बढ़े आपका, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट वगैरह या कंपनी रेड है या कोई और मसला है तो फिर नहीं बढ़ रखा है, तो उस चीज़ के ऊपर नज़र करें और सऊदी अरेबिया में इंटर हो जाएं, अभी ये बेस्ट है।